नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। केप टाउन टेस्ट मैच का तीसरे दिन का खेल जो है रद्द हो चुका है। आज एक भी गेंद नहीं हुई। तकरीबन 15-20 मिनट पहले दोनों अंपायर्स ने यह फैसला किया कि चूंकि रुक रुक कर बरसात चलती जा रही है और सुपर स्वॉपर भी बीच में खराब हो गया था, तो आज खेल नहीं होगा मुमकिन। अब इससे भारत को कई फायदे हुए हैं, एक एक कर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खबर यह है कि तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं हुई। अब इस टेस्ट मैच में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। आज दिन भर केप टाउन में कभी बरसात कभी ड्रिजल होती रही, बरसात रुकेगी तो फिर ग्राउंड नहीं सूखा, लेकिन नतीजा ये कि आज तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। चौथे दिन फोरकास्ट ये है कि बादल रहेंगे लेकिन बरसात नहीं होगी। पांचवें दिन भी खेल होगा, खेल दोनों दिन होगा और दोनों दिन आधा आधा घंटा ज्यादा खेला जाएगा। 90 की बजाय 98 ओवर्स का खेल होगा। अब इससे भारत को बड़ा फायदा है, एक ये कि टेस्ट मैच में वक्त अब कम रह गया है, दूसरा ये कि अगर बरसात इतनी हुई है, पिच कवर्ड है, पिच पूरी रात कवर्ड रहेगी, कल सुबह भारत के तेज गेंदबाजों को कम से कम 1 घंटा ऐसी कंडीशंस मिलेंगी जहां पर उनको मूवमेंट मिलेगी। हो सकता है कि उनको जल्दी में विकेट मिल जाए, हो सकता है कि एक सपना जो हम सोच रहे हैं वो हकीकत में तब्दील हो जाए। लेकिन फिलहाल संजीवनी सबसे बड़ी ये है कि दबाव तो अब साउथ अफ्रीका पर है, साउथ अफ्रीका पर दबाव है कि मैच को कैसे अपने कब्जे में वो कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन का नुकसान होना किसी भी टीम के लिए छोटी खबर नहीं है। ये ना भूलें कि डेल स्टेन भी इस टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं, वो गेंद नहीं करेंगे। मेरे साथ सौरव गांगुली है, मेरे साथ निखिल है। दादा, पहला सवाल आपसे, क्योंकि अब एक दिन जब निकल जाता है और 8-8 ओवर ही बढ़ेंगे, मैंने देख लिया है वक्त पर ही, कल 2 बजे ही मैच शुरू होगा, लेकिन देर शाम आधा घंटा ज्यादा होगा। अब साउथ अफ्रीका फंस सकता है, मैं सिर्फ समीकरण की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि भारत खराब खेल खेले मैच हार जाए, लेकिन अब साउथ अफ्रीका पर भी दादा दबाव है। एक ये कि आपके तेज गेंदबाजों को कल कंडीशंस मिलेंगी, दूसरा ये साउथ अफ्रीका अच्छी बैटिंग भी करता है, डिक्लेरेशन की तरफ भी जाता है, तो उसे तो तय करना होगा कि कितने रन चाहिए उसको और कितने सेशंस देने हैं। यहां पर भारत के लिए छोटी सी खिड़की खुल जाती है। देखिए, आप कह रहे कि 196 ओवर्स, 196 ओवर अभी भी बाकी, आप दो निकाल दीजिए क्योंकि चेंज ओवर होगा, तो 194 ओवर्स होंगे मैच में। तो अगर साउथ अफ्रीका इस स्थिति से 70 ओवर खेलते हैं तो तभी भी 124 ओवर बाकी रहता है भारत के लिए, और 124 ओवर बहुत होते हैं विक्रांत इस पिच के ऊपर, इन कंडीशंस के ऊपर। अब दोनों दिन उठा के देख लें, 180 ओवर के मैच हुए, शायद थोड़ा सा कम हुए क्योंकि स्लो ओवर रेट की वजह से, और आपके विकेट 22 गिर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं समझता हूँ बहुत समय अभी भी बाकी है इस मैच में। अगर 70 ओवर साउथ अफ्रीका खेलते हैं और आउट नहीं हो जाते तो 210-240 रन आप पकड़, 200 रन ही पकड़िए या 210 रन ही पकड़िए, और 140 की लीड मतलब 350-400 की लीड, तो मैच अभी भी बहुत बहुत बाकी है और बहुत समय है किसी भी टीम को। भारत अगर जल्दी आउट करता है साउथ अफ्रीका को फिर चेस करना, क्योंकि ये पिच पांचवें दिन ऊपर नीचे होगा। आप दूसरे दिन जब मैच चल रहा था आप देखे होंगे कि कितने बॉल 2 टप्पे पे कीपर के पास गया है, तो पांचवें दिन इसी ऊपर नीचे होगा भी, और हम कह रहे थे कि ये ड्राई सरफेस है टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, तो बहुत समय अभी भी बाकी है किसी भी टीम को जीतने के लिए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका में हो रहा है, साउथ अफ्रीका एक अच्छी पोजीशन पे है और केप टाउन के जो ग्राउंड्समैन है उन्होंने सिर्फ पिच कवर किया और आउटफील्ड कवर नहीं किया, और साउथ अफ्रीका जो टीम मैनेजमेंट है किसी ने उनको बोला भी नहीं, यार बारिश इतनी हो रही है कि आप जल्दी से जल्दी कवर करो। ये अगर रवि शास्त्री होता और भारत में होता, या विराट कोहली होता या भारत में होता तो वो ग्राउंड्समैन के पीछे पड़ते थे कि यार कवर करो पूरा ग्राउंड, क्योंकि जब ही जैसी बारिश बंद हो मैच शुरू हो जाए। दादा, मैं थोड़ा सा देख के हैरान हूँ। अच्छा दादा, मैं छोटा सा सवाल एक और, आपने कहा कि आपने अभी तक जो बात की वो जो मैं उम्मीद सपना कर रहा था आपने उस पर पानी डाल दिया। आपने कहा 70 ओवर साउथ अफ्रीका बैटिंग करे और 124 ओवर आप भारत को दे दे, हो सकता है भारत 50 ओवर में ऑल आउट हो जाए। मैं आई बी द डेविल्स एडवोकेट, हो सकता है भारत 50 ओवर में आउट हो जाए, हो सकता है 30 ओवर में आउट हो जाए, 124। लेकिन आपको लगता है कि फाफ डुप्लेसिस 350 रन पर डिक्लेयर कर देंगे, 4 सेशन अपने गेंदबाजों को देंगे और इस बात को लेकर वो खुश होंगे कि चलो ठीक है भारत के लिए 350 रन ज्यादा है? साढ़े 300 या 375 भी हो सकता है, मैं तो 124 आउटर लिमिट बोल रहा हूँ,
100 ओवर भी दे सकता है साउथ अफ्रीका, 100 ओवर भी बहुत होते हैं पांचवें दिन एक टेस्ट मैच में, जिस पिच पे उतना हेल्प है और जितना फास्ट बॉलर्स के लिए मौका है आउट करने का। तो कल देखते हैं, कल एक घंटा डिसाइड करेगा सुबह कि कितना मॉइस्चर गया है, कल सुबह कितना धूप निकलता है और विकेट कैसे बिहेव करता है। देखिए भारत को तो एडवांटेज हुआ ही है, एक 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 दिन पूरा जब मैच का वॉश आउट हो जाता है तो जो टीम थोड़ा पीछे है उसको एडवांटेज तो जरूर होता है। लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि दोनों टीमों के लिए मौका है इस मैच को जीतने का। वाकई में किस्मत ने दरवाजा खोला है, लेकिन वो कहते हैं कि दरवाजा, मैं तो कहूंगा खिड़की खोली है, लेकिन खिड़की को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक दिन निकलना बड़ी बात है, उसके बाद तेज गेंदबाजों के लिए कल कंडीशंस अच्छी होनी वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भारत के पाले में गेंद है, क्योंकि इस गेंद से, मतलब इस गेंद से तो नहीं, लेकिन जो कुकाबुरा का 20 ओवर पुराना गेंद है उस गेंद से अब भारत को चाहिए धड़ाधड़ विकेटें। रुक रुक कर बरसता रहा आसमान, रुक रुक कर उम्मीदें जगाता रहा केप टाउन। केप टाउन में ये बूंदें दिन भर रुक रुक कर बरसती रही। पहले बारिश ने पूरे के पूरे सेशन को बर्बाद कर दिया, फिर दूसरे सेशन पर भी पानी फेर दिया। लंच के बाद जब कवर्स हटाया गया तो एक बार तो मैच शुरू होने की उम्मीदें जगी, लेकिन बारिश फिर शुरू हो गई। आखिरकार जब बारिश रुकी तो सुपर स्वॉपर ने धोखा दे दिया। दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ था तो 2 विकेट के नुकसान पर 65 रन बनाए थे दक्षिण अफ्रीका ने और 142 रन की बढ़त भी हासिल कर ली थी, लेकिन तीसरे दिन की बारिश ने दक्षिण अफ्रीका के 300 रन की बढ़त के मिशन पर पानी फेर दिया। इसके साथ ही बदलते मौसम ने कंडीशंस को भी बदल दिया है और अब दोनों टीम मैनेजमेंट का भी बड़ा इम्तिहान होगा। खेल दोबारा शुरू होते ही दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए विकेट पर टिके रहना और रन बनाना इतना आसान नहीं होगा, वहीं टीम इंडिया के लिए उन्हें सस्ते में समेटने की चुनौती होगी। इस मैच में अभी भी 2 दिन बाकी हैं और 6 सेशन मैच का नतीजा निकालने के लिए काफी हैं। दक्षिण अफ्रीका की टेंशन इसलिए कम जरूर है क्योंकि उसके पास ठीक ठाक बढ़त है और वो तेजी से खेलकर अपनी बढ़त को 300 के पार ले जाना चाहेगी। और फिर असली इम्तिहान होगा उन भारतीय दिग्गज बल्लेबाजों का जो पहली पारी में फ्लॉप साबित हुए थे। मौका होगा ये साबित करने का कि सच में वो दक्षिण अफ्रीका सीरीज जीतने के लिए ही आए हैं। आज तक फिर निखिल शायद दादा ज्यादा रियलिस्टिक है, वो हकीकत भी है कि भारत इतना पीछे है, कैचअप ही चल रहा है, लेकिन बेस्ट केस सिनारियो भारत के लिहाज से क्या हो सकता है? जो बेस्ट केस सिनारियो है, जो इस वक्त ड्रेसिंग रूम में नहीं, टीम तो होटल में है क्योंकि खिलाड़ी लंच के बाद होटल वापस चले गए थे, लंच उन्होंने आराम से किया केप टाउन के न्यूलैंड मैदान में, उसके बाद होटल कलिनन चले गए, उनको अंदाजा था कि मैच नहीं होगा। टीम अगर आज बैठती है तो टीम क्या सोचती है, बेस्ट केस सिनारियो क्या सोचती है? देखिए बहुत जरूरी है कि जो रणनीति बनाई जाएगी, पहला घंटा जिस तरीके दादा कह रहे हैं, मैं कहता हूं पहला स्पेल हर गेंदबाज के लिए विक्रांत भाई बहुत जरूरी होगा, ये सोच के कि दक्षिण अफ्रीका 140 रन आगे है। शुरुआत में अगर आप पहले ही 2-3 ओवर में सबसे पहले नाइट वॉचमैन को आउट करते हैं, एक अच्छा गेंद पड़ जाता है, ये सोच के साथ आपको डालना होगा पहला स्पेल उस इंटेंसिटी के साथ कि हाँ मैं विकेट निकाल सकता हूँ। अब तक एक नाइट वॉचमैन खेल रहे हैं और उनका बेस्ट बल्लेबाज हाशिम अमला है, एक अच्छा ओवर या 2 अच्छी गेंदें जो है साउथ अफ्रीका पर दबाव बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप अभी तक का टेस्ट मैच भी देखें जिस तरीके से घटा है, एक विकेट के साथ दूसरी विकेट, दूसरी के साथ तीसरी, पार्टनरशिप नहीं होने देनी है, साझेदारी हो गई तो आप समझ लीजिए कि फिर वहां से कैचअप होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कहता हूं अगर भारतीय टीम कैचअप कर भी रही है, एक साझेदारी हो भी जाती है, लेकिन कंधे नहीं गिरने चाहिए, बहुत जरूरी है क्योंकि श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच है, आपको दिखाना है कि किस तरीके से आप लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उम्मीद जगा के रखनी है हर खिलाड़ी के अंदर, किसी भी खिलाड़ी का कंधा नहीं गिरना चाहिए मैदान में क्योंकि ये आपका पहला टेस्ट मैच है। अगर मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता कि आप हार भी जाते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर का इंटेंसिटी रहेगी और आप लड़ते हुए हारते हैं तो दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में भी दबाव रहेगा दक्षिण अफ्रीका के ऊपर। सही बात है दादा, कभी कभी तो होता है, किस्मत भी चाहिए होती है, कभी कभी होता है कि अब हार्दिक पांड्या ने जो कल बैटिंग की वो फ्रीकिश थी, मतलब उस तरह से दोबारा से बल्लेबाज आप ये सोच लें कि ऐसे ही खेले ऐसे ही रन बनाए नहीं होगा मुमकिन, लेकिन शायद अंदाजा तो ड्रेसिंग रूम का हो गया है कि साउथ अफ्रीका में भी वीकनेसेस हैं और अगर आप 4th-5th दिन का मौसम देखें, मौसम साफ रहेगा, वो खेल को कोई नुकसान नहीं होगा। बेस्ट केस सिनेरियो निखिल ने कहा, क्या अभी एक बड़ा मिरेकल, बहुत बड़ा करिश्मा हो सकता है? मैं जीतने की बात कर रहा हूं,
नहीं क्यों नहीं हो सकता है, भारत के पास जो गेंदबाज, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, भारत के पास जो गेंदबाजी है, अगर साउथ अफ्रीका को 250 पे आउट कर देते, अभी तो 142 दो पे हैं, दो विकेट पे हैं, तो अगर 250 पे आउट करते तो जरूर भारत सीखता है, भारत जीत सकते हैं। आप हार्दिक पांड्या की बात कर रहे थे कि वैसा नॉक नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है कि शुरू में विराट कोहली और रोहित शर्मा और जो चेतेश्वर पुजारा है वो सेट हो जाए, और सेट होने के बाद गेम अलग होता है। जब आप 350 चेस करते हैं विक्रांत, और जब आपके पास विकटे होता है, गेम शुरू में ऐसा लगता है कि स्लो है क्योंकि आप अलग तरीके से खेलते हो, कि एक बार जब बल्लेबाज सेट हो जाते हैं ना, जब आपके 100 पे दो होते हैं और दूसरी टीम के ऊपर दबाव होता है, फील्ड खोलने लगते हैं, स्लिप स्लिप से फील्डर हट के कवर पे जाते हैं, डीप पॉइंट पे जाते हैं, तो फिर रन बनना भी आसान बन जाता है। तो इस गेम में बहुत कुछ हो सकता है, तो मैं समझता हूँ अभी तक तो साउथ अफ्रीका आगे है, लेकिन कौन कह सकता है कि भारत 100 रनों पे बाकी 8 विकेट गिरा दे, 150-250 की लीड और फिर आके अच्छी बल्लेबाजी करे। तो गेम वाइड ओपन है दोनों के लिए, 100 जैसा आपने कहा 196 ओवर अभी बाकी है, और ये सेकंड सेशन और टी के बाद का जो सेशन है 15-15 मिनट, उस पर एडजस्ट होगा जो आपके आपके दो सेशन है। तो मैं समझता हूँ कुछ भी हो सकता है इस गेम में, होना भी चाहिए, क्योंकि एक तो हम ये कह रहे हैं कि भारत ने आके विकटे ले ली, ये भी तो होगा ना, अगर साउथ अफ्रीका को तेज खेलना हो, तेज खेलने के चक्कर में भी विकटें गिर सकती हैं। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा आशावादी हूं, हालांकि हम जानते हैं कि भारत पीछे है, और आज अगर हम आशावादी हैं तो उसका श्रेय जाता है एक खिलाड़ी को, हार्दिक पांड्या, और इंसिडेंटली उन्होंने कल रन भी बनाए, दो विकटें भी ली, मतलब जो कुछ उन्होंने किया वही कर सकते थे उस दिन, जिस दिन जिस खिलाड़ी से उसका कंपैरिजन चल रहा है, कपिल देव, उनका जन्मदिन। केपटाउन टेस्ट में नतीजे को लेकर बेशक कयास ही लग रहे हैं, मगर इस मैच में टीम इंडिया को एक हीरो पहले ही मिल गया। महज एक ही दिन में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का ग्राफ काफी ऊपर चला गया। पहली पारी में जब टीम इंडिया बेहद मुश्किल हालात से जूझ रही थी, तब हार्दिक ने बल्ले से वो कमाल कर दिखाया जिसकी उम्मीद कम से कम उनसे कम ही थी। दक्षिण अफ्रीका के सामने जब भारत के सारे टॉप बल्लेबाज फेल हो गए, तब हार्दिक के बल्ले से ऐसी पारी निकली जिसने टीम इंडिया के डूबती उम्मीदों को नई ताकत दी। हालांकि तेज गेंदबाजों की आग उगलती गेंद के सामने शुरू में हार्दिक को भी परेशानी हुई, जीवनदान भी मिला, मगर हालात से लड़ते लड़ते हार्दिक ने 95 गेंदों में 93 रनों की बेशकीमती पारी खेली। शतक से वो चूक गए, मगर उनकी इस पारी ने भारतीय ड्रेसिंग रूम को जोश से भर दिया। हार्दिक यहीं पर नहीं रुके, बल्लेबाजी में जो रही सही कसर रह गई थी उसे गेंदबाजी में पूरा किया। दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर उन्होंने मैच में टीम इंडिया की वापसी करा दी। कुछ लोगों का मानना है कि हार्दिक महान ऑलराउंडर कपिल देव की तरह ही क्रिकेट की दुनिया में चमकेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा, मगर कपिल देव के जन्मदिन पर हार्दिक के इस हरफनमौला प्रदर्शन ने इस डिबेट को आगे जरूर बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल आज तक पर छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन बात वही है कि इस बरसात से क्या क्या अच्छा, आज का दिन तो धुल गया, चौथे दिन पांचवें दिन 8-8 ओवर अतिरिक्त होंगे, वक्त पर ही मैच शुरू होगा, मैच 2 बजे ही शुरू होगा, लेकिन रात को देर से खत्म होगा। कल और परसों बरसात नहीं होगी, हालांकि अगर आप भारत के फैन हैं तो आप तो ये चाहते हैं कि बरसात होती रहे। आज सारा दिन बरसात हुई, विकेट कवर्ड रही, मॉइस्चर रहेगा, रात को भी रहेगा। 20 ओवर पुराना गेंद है, क्या कुछ कर सकते हैं आपके तेज गेंदबाज, और क्या इंप्रूवमेंट करनी है, क्योंकि पहली पारी में जो भी है आपने शुरुआत बड़ी अच्छी की, लेकिन जो वैगन व्हील हम कल साउथ अफ्रीका की इनिंग का दिखा रहे थे 286 रन का, उन्होंने विकेट के चारों तरफ रन बनाए हैं, इसका मतलब आपने एक एक ओवर में चार अच्छी गेंदें अगर की हैं
तो दो चौके वाली गेंदें भी की हैं। देखिए विक्रांत भाई, डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि आपके पास पता है कि ज्यादा रन के साथ आप नहीं खेल सकते, क्योंकि 140 रन ऑलरेडी दक्षिण अफ्रीका आगे है। पहला स्पेल, तभी कह रहा हूं, पहला स्पेल बहुत महत्वपूर्ण होगा और चौके की बॉलें नहीं देखनी। 20 ओवर पुराना गेंद, विकेट में और नमी है बारिश की वजह से, जितना आगे खिलाएंगे सीम करेगा, चौके के गेंद नहीं, चौके नहीं खाने, अगर विकेट नहीं तो रन भी नहीं, उस माइंडसेट से गेंदबाजी करेंगे, विकेटें मिलेंगी। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा धीरज रख के गेंदबाजी करना होगा, डिसिप्लिन के साथ एक लाइन और लेंथ पकड़। अच्छा, दादा से 11 की बात नहीं करूंगा क्योंकि दादा अभी भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे। हालांकि दादा मेरा तो मानना है उमेश और ईशान में से एक खेलना चाहिए था। अच्छा, मोहम्मद शमी को क्या हुआ दादा? वो मोहम्मद शमी नहीं दिख रहे हैं जिसकी हमें उम्मीद थी, बड़ा फ्लैट सा दिख रहे हैं, जा रहे हैं, गेंद डाल रहे हैं। मोहम्मद शमी विल हैव टू बी अपने बेस्ट पे। देखिए क्रिकेट उतने नहीं खेलते मोहम्मद शमी, टेस्ट मैच देखिए पिछले अगर आप 3 महीने में देखेंगे, 2 टेस्ट खेला है सिर्फ मोहम्मद शमी, वनडे क्रिकेट खेलते नहीं है। उससे पहले वनडे मैचेस थे तब उनको नहीं लिया गया, और फिर पहला टेस्ट खेले, उसके बाद एक ब्रेक लिए, कलकत्ता में खेले, उसके बाद दूसरा टेस्ट ब्रेक श्रीलंका के सामने, और तीसरा फिर दिल्ली में खेले। तो बहुत गैप हो जाता है उनके क्रिकेट में, और इसीलिए रिदम में आना भी मुश्किल हो जाता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा रिदम में कौन है? भुवनेश्वर कुमार, जो लगातार हर फॉर्मेट खेलते हैं, T20 खेलते हैं, वनडे क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट मैचेस खेलते हैं। तो ये मुश्किल होता है जब आप ऑन एंड ऑफ होते हो। आप ये इस चीज़ को भारतीय टीम मैनेजमेंट और मोहम्मद शमी को भी याद रखना, और रणजी ट्रॉफी मैच भी खेले बीच में, उनमें भी उनको 10-12 ओवर लगे रिदम में आने के लिए, जब आके वो उन्होंने 6 विकेट लिए हैं। जैसा देखेंगे सीरीज जाता रहेगा, वो अच्छे अच्छे गेंदबाजी करते रहेंगे। बिल्कुल आना भी चाहिए। दादा आप घर पे ही है ना? बिल्कुल अब घर पे है ना। अच्छा 10 मिनट के बाद दादा आप प्लीज यूट्यूब स्पोर्ट्स तक जो आपने सब्सक्राइब किया है उसको खोल लीजिए, क्योंकि आपसे तो हमने बात कर ली है, आपके व्यूज भी हमने देख लिए, लेकिन और तसल्ली से बात करना चाहते हैं हम इसी मुद्दे पर। स्पोर्ट्स तक को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दादा अपने घर पर अपने आईपैड पर थोड़ी देर बाद लगाने वाले हैं, आप भी लगा लीजिए। तो मिलते हैं 8 बजे वहां पर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इजाजत दीजिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।